अवाम से मुलाकात करो और करूंगा इंशाअल्लाह ताला। और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह जो मुझे सोच और फिक्र दिया, ना तुम मेरी जबान का मुकाबला करोगे अल्लाह के करम से, ना तुम मेरी सोच का मुकाबला कर सकोगे, ना तुम मेरी मेहनत का मुकाबला कर सकोगे इंशाअल्लाह, ना तुम मेरे पैदल दौरों का मुकाबला कर सकोगे। अरे पैदल दौरे तुम क्या करोगे, 10 मिनट में तुम बेहोश हो जाएंगे। दौरा करूंगा, फिरूंगे, हर गली गली में जाएंगे, एरिए में जाएंगे, एमएलएस के साथ जाऊंगा, कॉरपोरेटर्स के कान पकड़ कर कहूंगा कि जिसका घर बन रहा उस पर रहम करो। ये हमारी जिम्मेदारी है, यही तो हमारा काम है। मैं कौन सा सीमेंट की फैक्ट्री चला रहा हूं, आवाम की खिदमत करना मेरा काम है और मैं करता रहूंगा। जमात को मजबूत करना मेरी जिंदगी है, मेरी जिम्मेदारी है। कल जब मैं अल्लाह के पास जाऊंगा तो या तो अल्लाह की राह में इंशाअल्लाह मुझे शहादत मिलेगी, और अगर अपनी उम्र जिंदा रहा तो यही दारुल सलाम से मेरा जनाजा जाएगा, तुम्हारे खंदों पर जाएगा, तुम्हारी दुआओं की वजह से मुझे खबर में रखा जाएगा। और जैसा कि अभी अतीफ मियां ने कहा कि खबर में आका का दीदार होगा, हशर के मैदान होगा, तो जैसा कि हज़रत अनस ने कहा कि या रसूल अल्लाह आपका गुलाम है, मैं भी खत्मों में गिर कर कहूंगा आका मैंने दुनिया में कुछ किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, मेरी लाज रख लो। हमारी पूछ होगी, हमको अपना हिसाब देना पड़ेगा। मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी तो यह है, मगर ये लोग नहीं समझ सकते सरमायादार, ये नवाबजादे नहीं समझ सकते, ये मुखालिफीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नहीं समझ सकते मजलिस की सोच और फिक्र को, मजलिस के मेहनत को, जुस्तजू को, हमारी जिद को, हमारी पागलपन को। अगर हमारी जबानों में तखी है तो इसकी जिम्मेदार ये हुकूमत है, ये तमाम लोग हैं। मेरे भाई ये काम मजलिस कर रही है। एक और अहम बात कि आज अखबार में ही आएंगे, उसमें हमारे टीवी के लोग बताए कि हुकूमत जो है कुछ तलाक के बारे में कुछ कानून साजी करने वाली है। हम हुकूमत से पूछना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया